नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो है उसमें अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार किसी भी सांद्रता का K2CR2O7 का सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। राइट, आपको जिस किसी भी सांद्रता का सॉल्यूशन बनाना है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, जब ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं केमिस्ट्री लैब में आपको प्रायोगिक तौर पर भी समझाने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने ये सॉल्यूशन बनाया। राइट, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेटर। किसका है? पोटेशियम डाइक्रोमेटर। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेटर, जिसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, वो होता है K2CR2O7। K2CR2O7 को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के नाम से जानते हैं। राइट, ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे जो मेन बात है वो है यहाँ पे कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाना। राइट, जैसे अगर आपको मैंने पूछ लिया कि मुझे 1 m का बनाना है या 1 n का बनाना है, या मैंने आपको बोल दिया 0.1 m, या इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, 1/10 m का बनाना है, या मैंने आपको बोल दिया 0.1 n, या मैं इसको और क्या कह सकता हूँ, 1/10 n का बनाना है, इसको ही बोलते हैं n/10। राइट, तो वो सारे मान एक ही है, इस तरह से बनाना है। या मैंने इसको बोल दिया कि 1/20 m का बनाना है, या मतलब n/20 का बनाना है। तो किसी भी सांद्रता का आपको अगर बनाना है तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ तो उसको सीख लीजिए, उसके बाद में आप किसी भी सांद्रता का सॉल्यूशन बना सकते। राइट, तो चलिए, तो यहाँ पे अपने पास में दो जो है वैल्यू को अपन यूज़ करेंगे, एक तो होगी इसकी मॉलिकुलर मास और एक इसका होगा इक्विवेलेंट मास। राइट, तो कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मॉलिकुलर मास से तो आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल एम का मतलब है मोलरिटी, और जो आपके इक्विवेलेंट मास से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मलिटी। राइट, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए जरा, इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, इसका मॉलिकुलर मास बेसिक होता है 294 g/mol। ये मैंने यहाँ पे मॉलिकुलर मास लिख दिया। मॉलिकुलर मास आप देखोगे अलग अलग हर जगह मिलेगा, कहीं पे मिलेगा 294.189, कहीं पे मिलेगा 294.22, कहीं पे मिलेगा 294.26। तो ओवरऑल राउंड फिगर मैंने 294 g/mol मैंने मान लिया। ये वीडियो आपके लिए स्टैंडर्ड काइंड ऑफ भी है कि हाँ, जो भी माना है उस हिसाब से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, चलिए, तो अगर मुझे 294 g/mol है, राइट, तो अगर आपको कोई बोले कि अगर मैं इतना ग्राम कहीं घोल दूँ तो मुझे कितने घोलना होगा, ध्यान रखना किसी भी कंपाउंड का, सॉलिड कंपाउंड का जो मॉलिकुलर मास होता है उसको अगर आप 1 लीटर में घोल दो, कितने में, 1 लीटर में घोल दो, ध्यान रखना वहां पे सॉल्यूशन क्या हो जाता है, 1 m का बन जाता है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 m का सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे 294 g तोल के, और इसको मैं कहाँ घोल दूंगा, 1 लीटर में घोल दूंगा, 1 लीटर वाटर में घोल दूंगा, किसमें घोल दूंगा, 1 लीटर वाटर में घोल दूंगा, तो मुझे यहाँ पे 1 m का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन 1 n का कैसे मिलेगा, तो 1 n का निकालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अब देखो जरा, जैसे आप 0.1 m का करना है, मतलब 0.1 कब आ सकता है, जब इसमें 10 का भाग दे दूँ, तो इसमें भी अगर मैं ऐसे इसको लिख देता हूँ 0.1 m, मतलब इसमें 10 का भाग दिया इसमें भी 10 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, 29.4 g, तो ये आपका आ गया 0.1 g। अगर मैं पूछे कि 0.01 m का अगर आपको बढ़ाना है, मतलब इसमें 100 का भाग दिया और इसमें भी 100 का भाग दिया, तो ये आपको आ जाएगा 2.94 g। ऐसे अपन इसको इमिटेट कर सकते हैं। राइट, तो अभी अपना मेन जो फोकस है वो इसके ऊपर नहीं है, वो आपका है नॉर्मलिटी के ऊपर, आपका नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे बनाना। राइट, तो ये तो चलो ये भी रहने देता हूँ। अब सुनो जरा, तो इसके लिए क्या रहता है, इसके लिए अगर मैं बात करूँ देखो जरा, तो यहाँ पे क्या है कि अगर इसकी मैं अगर मैं यहाँ पे इसको जैसे मैं इसकी हाफ रिएक्शन लेता हूँ, देखो जरा हाफ रिएक्शन ऑफ K2CR2O7 इन एसिडिक, तो अगर मैं एसिडिक मीडियम में इसकी हाफ रिएक्शन को लिखता हूँ तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी, CR2O7 2 minus plus
14H प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2। और यहाँ पे मुझे चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 11 क्लास में आपने पढ़ा होगा यहाँ पे आप कितने इलेक्ट्रॉन लिखते थे 6 इलेक्ट्रॉन लिखते थे कितने लिखते थे 6 इलेक्ट्रॉन लिखते थे। इसका मतलब ये हो गया कि एक मोल Cr2O7 का कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है तो अपने कहें कि 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करता है राइट। तो अब यहाँ से ही अपन इक्विवेलेंट मास को यूनिट कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट जो मास है कौन सा मास इक्विवेलेंट जो मास है वो क्या हो जाएगा वो इसके मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व मतलब मॉलिक्यूलर मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा इक्विवेलेंट मास क्या आ जाएगा वो मॉलिक्यूलर मास है 294 और इक्विवेलेंट मास आपका हो गया 6 राइट। तो इससे जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये लगभग आप देख सकते हो ठीक है ये 4 बार जाएगा 24 फिर 5 54 19 9 बार जाएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट है ना इक्विवेलेंट पर मोल इक्विवेलेंट पर मोल। अब ये समझिए इसका अर्थ क्या हुआ उन आपका 49 ग्राम या ये कह सकते हैं 49 इक्विवेलेंट पर मोल। इसका मतलब अगर आप 1 लीटर में क्या 1 लीटर में अगर आप घोलते हो 49 ग्राम घोल देते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो 1 m का बनेगा। बोलो समझ में आया है मैं क्या कह रहा हूँ अगर 49 ग्राम घोल दिया 1 लीटर में ये 1 लीटर के लिए याद रखना 1 लीटर के लिए है तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा 1 n का बनेगा। अब वही बात है बाकी जितनी कंसंट्रेशन निकालनी है n बाय 10 निकालना है 10 का भाग देना है या 0.1 निकालना है जहाँ जो जो यहाँ करे वो यहाँ पे भी करो अगर 0.1 n कोई बोलते तो ये लीजिए 4.9 ग्राम हो जाएगा और कोई बोलते 0.01 वेरी डाइल्यूट कर दे तो क्या हो जाएगा 0.49 ग्राम कि क्या बोल रहा हूँ 0.01 n बोल दे तो क्या हो जाएगा 0.49 ग्राम। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया बैठ गया माइंड में। तो इस तरह से अपन कंसंट्रेशन का मॉलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास में इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके बाद हम प्रैक्टिकल के तौर पर इसको जो है रियल में यूज कर सकते हैं राइट। तो चलो ये तो मैंने आपको मास का रिलेशन बता दिया अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में कि जो इनकी कंसंट्रेशन है उसमें डायरेक्ट रिलेशन कैसे अपन फाइंड आउट करें। ऑलराइट तो चलिए बस चेक कर दो वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है जी बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन में किस तरह से इनका रिलेशन बैठ सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा राइट। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनकी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाएं। मुझे प्रैक्टिकल सारे आते हैं मैं टाइट्रेशन को हर तरह की टाइट्रेशन कर लेता हूँ लेकिन जो सॉल्यूशन टीचर के थ्रू दिया जाता है वो आगे ना बनता कैसे है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ राइट। अब देखिए जरा तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलैरिटी है तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप में आपको एक नया टर्म देखने को मिलेगा एन फैक्टर। अरे कौन सा फैक्टर एन फैक्टर अब ये एन फैक्टर है क्या अरे कुछ नहीं है ये वही है जो वो इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम था। देखो एन फैक्टर क्या है ये वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ कंपाउंड जो उसमें क्या हो रहे हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं। बोलो समझ में आया क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो यहाँ पे कर दो या मैं क्या बोल सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि आपका डिस्प्लेसेबल नंबर ऑफ एच प्लस और OH माइनस आयन कितने H प्लस और OH माइनस वहाँ से डिस्प्लेस हो सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के बारे में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ जैसे H2SO4 इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूँ तो वो आपका मिल जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इस 98 में मैं डिवाइड करूँगा 2
टू से, क्योंकि यहाँ से आपका डिस्क्रिसिबल हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, टू है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 49 इक्विवेलेंट पर मोल आ जाएगा। आई होप यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, राइट। या इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको भी कहते हैं, राइट, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी यहाँ पे आप इसको आप समझ सकते हो, राइट। तो उससे इससे मल्टीप्लाई करने में आपको यह चीज़ पता हो जो है पता चलेगी आपको, राइट। अब मैं आपको रियल में करके बताता हूँ। जैसे देखिए जरा, आपको पता है 1 m का जो था, सुना जरा मैं क्या बता रहा हूँ, 1 m का जो था उसको अपन कितना बोल रहे थे, 294 ग्राम। तो ये 0.1 m का होगा, ये किसके बराबर होगा, 229.4 ग्राम के बराबर होगा, राइट। अब सुनिए जरा, ये 0.1 m जो है वो आपका नॉर्मलिटी के इक्वल होगा, कब होगा, जब इसको मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मतलब n फैक्टर अपना कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इन केस ऑफ द K2Cr2 से, मतलब इसमें मैं 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 0.6 m जो होगा वो भी बराबर होगा 29.4 के। अब आपको जो निकालना है वो निकाल दो, अगर आपको निकालना है 0.1 निकालना है तो इसको यहाँ भेज दो, तो 294.0.6, ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.1, जिसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब इसको आप करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा और आप देख लो, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से आप इसको डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 49 मल्टीप्लाई 0.1, मतलब क्या आ गया, 4.9 ग्राम। और ये कहिए मैंने आपको आगे समझाया था कि 0.1 m आपको अगर निकालना है, सॉरी 0.1 m निकालना है, तो उसके लिए आपको 4.9 ग्राम पर मोल आपको खोलना पड़ेगा, है ना, ग्राम पर मोल, या बोलो या इक्विवेलेंट बोलो, है ना, एक ही बात है। वैसे ये आपका इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट पर मोल और इक्विवेलेंट पर मोल, राइट। आई होप आपको ये जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे जो है क्या बात आपसे कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी कंसंट्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। अगले और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपाउंड के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।